हाँ सर, शुरू करें। हाँ जी मिनशैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन इन अवर स्टेट लेवल ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम। टुडेज सब्जेक्ट विल बी इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज आप सभी का हमारे इस स्टेट लेवल के प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपका इंग्लिश का टीचर अंसारी उबैदुर्रहमान, एंड आई पर्सनली बिलोंग टू शिवाजी नगर म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 1, गोवंडी। आवर CNO, हु इज वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी डेडिकेटेड, इज जुबैर अहमद सर। माई HM नेम हुसना सैयद, एंड आवर DO, हु इज लीडिंग द प्रोजेक्ट, हु इज गाइडिंग ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट, टीचर एंड CNOs, इज BO आरिफा शेख मैडम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू एक्टिविटी। हम एक नई एक्टिविटी, नया नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड स्टोरीज, पोएम्स, ग्रामर सेक्शन, लेटर। सो बिफोर स्टार्टिंग अनदर पार्ट, आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस टू यू। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव नोटिस्ड दैट इन दीज लॉकडाउन डेज, इन लॉकडाउन के दिनों में यू आर आउट फ्रॉम स्कूल, यू कांट गो टू स्कूल, बट दिस ऑनलाइन टीचिंग इज कंटिन्यूअसली, द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग इज ट्राइंग यू टू फिल द गैप। ये जो खला है, जो मतलब मसला है कि भाई बच्चे पढ़ स्कूल नहीं जा पा रहे, तो ये ऑनलाइन टीचिंग थोड़ा सा मतलब इसको, आप लोगों को उस खला को पूर्ण करने का काम कर रही है। तो ठीक है, जब तक हमारी स्कूल लॉकडाउन का ये मामला खत्म नहीं होता, हुकूमत की गाइडलाइन नहीं आती, तो हम लोग इसको एक्टिवली, सिर्फ ये नहीं कि हम लोगों को लेसन को सुनना है, बल्कि एक्टिव रहते हुए और बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ में, ताजगी के साथ में हम लोगों को इसको सुनकर इस पे रिएक्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। साथ साथ आपके और जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग मतलब किसी वजह से भूल जाते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी समझकर उनको याद दिलाने का भी काम करें। ओके, तो माय बेसिक क्वेश्चन इज दैट मोस्टली आई आस्क बिफोर स्टार्टिंग एनी पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश, लेट इट बी पोयम सेक्शन, लेट इट बी ग्रामर सेक्शन और स्टोरीज। तो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्टोरी। तो माय बेसिक क्वेश्चन इज अगेन, डू यू लाइक स्टोरीज? क्या आपको कहानियां पसंद हैं? एनी स्टूडेंट फ्रॉम कैन टर्न His or her mic on, answer, and again mute him or himself or herself. क्या आपको कहानियां पसंद है? जवाब दीजिए बेटा। यस यस सर। व्हाई डू यू लाइक द स्टोरीज? आपको कहानियां क्यों पसंद है? सर, क्योंकि उससे अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलती है। ओके, वी थिंक अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम द स्टोरीज। और इसके अलावा, अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन, कि क्या कहानियां किसी सच्चाई पर डिपेंड होती है? इज इट द फैक्चुअल, इट इज इट द रियलिस्टिक और नो नो? अब अगर ये हो सर। जाए नो नो, इफ यू नो दैट व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न एनी टाइप ऑफ स्टोरी इज आल्सो रियल, इज आल्सो रियलिस्टिक, इज आल्सो फैक्चुअल, जब आपको ये पता चल जाए कि हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो हकीकत पर मबनी है, जो सच्चाई पर मबनी है, तो आपका क्या रवैया होगा? तो आप क्या सोचेंगे इस बारे में? मैं वो कहानी पढ़ने के लिए बहुत दिलचस्प हो जाऊंगी। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड, आप दिलचस्प हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा क्या करेंगे? सब लोग ऐसे दिलचस्प हो जाएंगे। और उसके अलावा दूसरा काम हमारा उसमें ये होगा, द सेकेंड थिंग वी शुड अप्लाई इन आवर लाइफ शुड बी दैट वी वुड लाइक टू अचीव दोज वैल्यूज फ्रॉम दोज पर्टिकुलर पीपल। बात समझ में आ रही आप लोगों के?
कि जब एक बात हमको ये पता चल जाए कि ये कहानी तो सच्चाई पर आधारित है, इट इज डिपेंड ऑन अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच, समबडी इज देयर हु हैज डन दिस थिंग्स, हु हैज सम क्वालिटीज इन हिम एंड आफ्टर हिज क्वालिटीज वी आर लर्निंग द स्टोरी. सो वी शुड ट्राई टू अप्लाई दोज क्वालिटीज इन अवर डेली रूटीन, इन अवर डेली प्रैक्टिस सेशन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो आपके बात समझ में आ रही, जब हमको ये पता चल जाए तो हमको उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है बच्चों, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी अ फैक्चुअल स्टोरी. तो डू यू नो फैक्चुअल स्टोरी? फैक्चुअल स्टोरी इज द स्टोरी व्हिच हैड हैपेंड इन द पास्ट, जो वाकईतन पिछले जमाने में, पिछले वक्त में कोई स्टोरी हुई हो, उसे हम फैक्चुअल स्टोरी कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर स्टोरी विथ नेम मोलाइज कार्टूनी. आपके बुक का 4.2 4.2 है मोलाइज काठोनी, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं. इसको मतलब राइटर ने एक स्टोरी के फॉर्मेट में भी लिखा है और साथ साथ इसमें उसके एक कैरेक्टर आपके सामने आएगा जिसका नाम होगा जादव पायेंग. तो किस तरीके से वो चेंज करता है जहनियत को, किस तरीके से वो चेंज करता है एक पूरी जगह को, एक से एक अकेला फर्द इतने बड़े काम को करने के लिए तैयार होता है और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ में ग्रेजुअली लेकिन बेटर बेहतर तरीके से वो अंजाम देने की कोशिश करता है, इसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं. तो बिफोर वी गो जम्प टू आवर लेसन, ये जो स्टोरी है इस स्टोरी को न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज चैनल्स में भी इसको बाकायदा कवरेज मिला है. तो थोड़ा सा उसकी क्लिप मैं आप लोगों को बताता चलूँ.
रेडियो का साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा साउंड नहीं आ रहा क्या सर? अरे उसका कुछ प्रोसेस रहता है क्या सर? ये मोर में जाके देखो ना, इनेबल ओरिजिनल साउंड करेंगे ना तो आना चाहिए। मोर में जाके नहीं, मोर में तो तीन ही ऑप्शन दे रहा है सर। क्या दे रहा है? नहीं ये डिटेल्स दे रहा है और कुछ ऑप्शन दे ही नहीं रहा इसमें। नहीं वीडियो के मोड में नहीं, यानी तुम्हारे जूम अच्छा के मोड में, जूम के मोड में क्या बता रहा है? देखो ना ये जो है ना बीच का जो है ना वाईफाई जैसा, उसको ऊपर क्लिक करिए ना, ये बीच वाला। हाँ यू आर शेयरिंग डिवाइस ऑडियो। अच्छा अच्छा जी मर रहे हैं लेकिन वन विभाग बालू ने कहा अब आ रहा है। नेचर से बहुत प्यार था, वो जानवरों को भी बहुत चाहते थे। एक बार की बात है जब उन्होंने देखा कि उनके गांव के आसपास पशु पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। जब इसका कारण उन्होंने अपने बड़ों से पूछा तो बड़ों ने बताया कि ऐसा जंगल के कम होने की वजह से हो रहा है। फिर एक दिन जादव ने देखा कि बहुत सारे सांप ब्रह्मपुत्र नदी के एक बंजर टापू पर मरे पड़े हैं, क्योंकि टापू पर कोई भी पेड़ ना होने की वजह से सैकड़ों सांप अपने आप को नहीं बचा पाए। ये देखकर जादव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वन विभाग वालों से कहा कि यहाँ आप कुछ पेड़ उगा दीजिए, पेड़ों के ना होने की वजह से जानवर मर रहे हैं। लेकिन वन विभाग वालों ने कहा कि ये बंजर जमीन है और यहाँ कुछ नहीं उग सकता। हाँ लेकिन अगर तुम चाहो तो वहाँ बांस के पौधे उगा कर देख सकते हो। फिर जादव ने सोचा कि जब इंसानों के बसने के लिए हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं तो जानवरों के रहने के लिए एक जंगल क्यों नहीं बनाया जा सकता। फिर उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक वीरान टापू पर बांस के पौधे लगाना शुरू कर दिया। 1979 में तो अभाव प्राप्त हुआ था, बहुत वहाँ जबरा उबरा अरुणाचल प्रदेश से आके यहीं लग गया, तो पानी सूखा गया यहीं लग के, तो जून जुलाई तो इतनी गर्म होता है तो शताधिक सांप मर गया। सांप मरने से मेरा प्यार लग गया, लेकिन तो हम लोग तो यही मर जाएगा ऐसा रकम। तब तो देखा था गाय सब भी पानी में रहता है, कुत्ता सब भी पानी में रहता है। अब जो वो दिन से डेयरी कमिटी यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो लोग को बुलाया ससा सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा, वो लोग बोला जाए विश्व से सब उतना घास उपने। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो प्यारे बच्चों ये जो स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज द डिपेंड ऑन मोलाइस कथोनी, और इसका मतलब ये होता है कि मोलाई का खेत। तो आपने देखा वीडियो में कि किस तरीके से मतलब एक वक्त ऐसा होने लगा कि व्हेन ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑल द एनिमल्स वर कंटिन्यूसली डाइंग, वो मतलब मुसलसल मरते जा रहे थे पानी की मतलब उस वजह से, पानी का मतलब उनको ना मिलने की वजह से क्या हो रहा था कि मतलब वहाँ के जो लिविंग वो है ऑर्गेनिजम्स है वो उनका मतलब वो खत्म होते जा रहे थे। तो ऐसे वक्त में एक बड़ा इनिशिएटिव लेकर इस जादव पायेंग ने बहुत बड़े लेवल पर उसने काम किया, और हम देखते हैं कि उसके इस बड़े काम बड़े अचीवमेंट की वजह से उस जंगल का नाम ही मोलाई का जंगल, मोलाइस कथोनी के नाम से उसको रखा गया है। तो ठीक है हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे मोलाइस कथोनी। अब चूंकि अभी हमारा भी मार्च का महीना शुरू हो गया है ना, आखिर आखिरी का वक्त है, इसलिए अब हमारा जो लगभग सिलेबस का जो पार्ट है उसको भी हम लोग ऑलमोस्ट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम देख रहे हैं कि लास्ट के जो पिछले यूनिट के बहुत सारे पार्ट कम्प्लीट हो गए और अब हमारा आखिरी पार्ट आखिरी यूनिट यानी यूनिट नंबर 4 चल रहा है। ठीक है तो वन डे इन द टेरिबल समर सीजन ऑफ 1979 चेंज द लाइफ ऑफ जादव पायेंग। एक दिन की बात है कि जो टेरिबल समर था मतलब गर्मी के दिनों के खौफनाक गर्मी के दिन, बहुत ज्यादा गर्मी थी 1979, यानी अगर गौर किया जाए तो आज से कम 42 साल पुरानी ये बात है। चेंज द लाइफ ऑफ जादव पायेंग, वो समर ने जादव उस गर्मा के दिनों में ने जादव पायेंग की जिंदगी को बदल ही दिया। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र,
ब्रह्मापुत्र ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से देहात में, छोटे से गांव में रहता था, ऑन द बैंक किनारे पर ऑफ द ब्रह्मापुत्र। ब्रह्मापुत्र क्या है बेटा, ये कोई बता सकता है? नदी। नदी, एक्सीलेंट, शाबाश बेटा, नदी है, दरिया है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बहुत ही मशहूर नदी है और बहुत ज्यादा फैली हुई नदी है। ये आप देख सकते हैं कि उसकी कुछ तस्वीर है, एक तस्वीर जिसमें उसकी विड्थनेस को बताया गया है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बहुत वाइड, बहुत चौड़ी नदी है और उसका मतलब जो फी सेकेंड का जो मतलब एरिया है मीटर, वो भी बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा चौड़ा है। इसके अलावा दूसरा, ये जो नदियां मतलब अलग अलग सैंड बार के पास से आकर मिलती है, डेल्टा बनाती है, उसको भी देखो यहाँ पर बताया गया है कि ये अलग अलग एरिया से गुजरते हुए ये नदी मतलब आगे जाती है। तो दरिया ब्रह्मपुत्र इंडिया की और इंडिया के आसपास के जो मुल्क हैं, जो जहाँ से बहती है जो नदी, उनमें की बड़ी नदियों से एक नदी में शुमार किया जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, थोड़ी सी मालूमात यहाँ दी गई है तफसील में ना जाते हुए, थोड़ा मुख्तसर इसको देखते हुए चलते। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के जुनूब मगरिब से निकलता है और 1700 मील लंबा है। तिब्बत में इसका नाम त्सांगपो है, जो 700 मील तक मशरिक को बहता चला जाता है। फिर ये जुनूब की तरफ 150 मील तक भारत के सूबा आसाम में देहांग के नाम से बहता है, तिब्बत से आता है। और तिब्बत से आने के बाद में हमारा भारत का जो ईस्टर्न एरिया है, मशरकी भारत जिसे हम कहते हैं, मशरकी भारत के रियासत आसाम के मतलब ये देहांग के नाम से बहता है। एक तरफ देखिए त्सांगपो है जो तिब्बत की तरफ है, और यहाँ आने के बाद में वो देहांग के नाम से बहता है। फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से मगरिब की तरफ जाता है, मगरिब की तरफ जाता है मतलब जो मशरक का जो भारत का एरिया है, वहां से निकलकर मगरिब की तरफ सिमत अपनी बदलता है। फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से मगरिब की तरफ जाता है, आसाम और बांग्लादेश से होता हुआ दरियाए गंगा में मिल जाता है और डेल्टा बनाता हुआ खलीज बंगाल में जा गिरता है। ये एक अहम आबी शाहरा है, हिंद इसको बहुत मुतबर्रिक ख्याल करते हैं। इसकी वादी बड़ी जरखेज है, दरिया की औसत गहराई 124 फीट जबकि सबसे ज्यादा गहराई 390 फीट है। देखिए 390 तकरीबन 400 फीट की गहराई उसकी दरमियानी जगह पर जो है समझी जा सकती है। इसका औसत अखराज 19,300 क्यूबिक मीटर फी सेकेंड, यानी कि 640,000 क्यूबिक फीट फी सेकेंड है। देखिये ब्रह्मपुत्र एक बड़े दरियाओं में काउंट किया जाता है, माना जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र के बारे में भी एक मुख्तसर सी मालूमात हमने यहाँ पर हासिल की है। ब्रह्मपुत्र इज अ ग्रेट रिवर। ब्रह्मपुत्र कैसा रिवर है? काफी बड़ा है, ग्रेट है ना, आमतौर पर किसे कहते हैं हम लोग ग्रेट, अजीमुशान, बड़े, इस किस्म के जो है रिवर्स को कहा जाता है। तो ये क्या है, ब्रह्मपुत्र एक बड़ा रिवर है। इन प्लेसेस इट इज मोर देन 7 to 8 kilometers वाइड। अगर जगह के एतबार से उसको अगर समझा जाए तो 7 to 8 kilometers का एरिया इसकी सिर्फ चौड़ाई है, लंबाई तो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि कई कई ममालिक तक ये सफर करके दरिया आता है। लेकिन अगर इसकी चौड़ाई ही देख ली जाए तो द विटनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर, दिस ब्रह्मपुत्र रिवर इज 7 to 8 kilometers। इट हैज मेनी सैंड बार्स एंड इवन एन आइलैंड known as Majuli Island. It has many sandbars. क्या होते हैं आप लोगों को पता है? ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दरियाओं का एक जगह पर आकर रुक जाना, इसे कहते हैं रेत का किनारा, है ना? देख रहे हैं आप, किनारे पर बहुत सारी रेत जमा की गई है, जमा हो गई है। तो ये होता है, इसका होता है पर्टिकुलरली हम कहते हैं कि ये सैंड बार है। सैंड का मतलब रेत होता है, बार का मतलब एक से मुराद ये कि यहाँ पर ये जमा हुई है। ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी ये देखिए सैंड बार। हाँ, ये और भी कुछ फोटोज होती है अक्सर
ये देखो नदी का ही फोटो है, लेकिन नदी के फोटो में मतलब जिस तरह से रेत इकट्ठा होती है तराफ में, कोले में पड़ी होती है रेत, उसी रेत की तरह ये यहाँ पर रेत आपको दिखाई दे रही है। तो ये सैंड बार का हिस्सा होता है, ठीक है। अभी देखिए जब आपको आंसर देना होगा तब अपने माइक को आप अनम्यूट कीजिए, जब तक अपने माइक को म्यूट ही रखिए, आपके सबके माइक को म्यूट कर देंगे कोई बोल नहीं पाएगा। तो ये बार बार जहां से आवाज आ रही है ना वो लोग क्लियर कर लीजिए। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हम आए हैं। तो आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, मतलब आइलैंड वो जगह होती है जो एक जमीन का हिस्सा होता है, जमीन का टुकड़ा होता है जिसके अतराफ में, जो पूरे अपने अतराफ में पानी से घिरा हुआ होता है, वो मतलब दरमियान में होगा, छोटा सा लैंड होगा, छोटी सी जमीनी हिस्सा होगा, और उसके आसपास हम देखेंगे कि बहुत सारा पानी ही पानी होगा, उसे आइलैंड कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र, इट हैज मेनी सैंड बार्स एंड इवन आइलैंड नोन एज मजूली आइलैंड, मजूली आइलैंड के नाम से एक जजीरा भी मौजूद है। अब आप लोग इस बात से भी वाकिफ होंगे, यू माइट बी नोइंग दैट देर आर सम आइलैंड विच आर वेरी वाइड, कुछ आइलैंड ऐसे जो बहुत बड़े हैं, एंड इवन देर आर सो मैनी लाइव्स आर देर, कई जानदार का निजाम, कई जानदार, कई इंसान, कई जानवर वहां पर जो है जिंदगी बसर करते हैं। वेस्ट इंडीज एक ऐसा मुल्क है जो मुल्क होने के साथ साथ एक आइलैंड भी है, ठीक है। तो ये जो समंदरों से गहरा हुआ आइलैंड अक्सर होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र इतना बड़ा दरिया है कि उस दरिया के अतराफ में भी हम देख रहे हैं कि आइलैंड हमको दिखाई दे रहा है। इस किस्म का देखिए, आप लोगों ने कुछ तस्वीर देखी भी होगी कि ऐसा दरमियानी हिस्सा जहां पर थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है, जगह होती है, उस जगह के ऊपर मतलब एक जजीरा तैयार हो जाता है और उसके अतराफ में पानी ही पानी होता है। तो मजूली आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो इसके आसपास में अतराफ में देखने को मिल रहा है, ठीक है। वॉटर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र ऑफन फ्लड मजूली एंड द सैंड बार्स, ऑफन फ्लड। अब देखिए वाटर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का जो पानी है उस वजह से अक्सर फ्लड आ जाता है मजूली एरिया में, मजूली की जगह पर फ्लड आ जाता है एंड द सैंड बार्स। तो यहाँ पर अब देखिए फ्लड क्या होता है, फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन नॉर्मली ड्राई ग्राउंड, अक्सर ऐसी जगह जो खुश्क होती है, उस खुश्क जगह पर, उस सूखी जगह पर जब पानी का ओवरफ्लो हो जाए, अलग अलग जगहों से पानी बहते बहते इसके ऊपर आ जाए, तो वो फ्लड कहलाता है। दिस इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एन ओवरफ्लोइंग रिवर, अगर रिवर का जो पानी है, दरिया का पानी अगर जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो उस वजह से भी ये फ्लड आ जाते हैं। आ डैम ब्रेक, कभी कोई डैम फूट जाए, कोई बंद फट जाए, उस वजह से भी जो है देखने को मिलता है। स्नो मेल्ट, जहाँ पर बर्फानी इलाके हैं और वहाँ पर बर्फ जब पिघलने लग जाती है, और हैवी रेनफॉल, और या फिर जब बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो जाती है तो ये फ्लड के आने के मौके इम्कानात होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या कहा जा रहा है कि आइलैंड नोन एज मजूली, वाटर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र ऑफन फ्लड मजूली एंड द सैंड बार्स। तो मजूली आइलैंड जो है अक्सर यहाँ पर फ्लड आ जाया करता है, और साथ साथ जो सैंड बार्स है, जो यहाँ के रेतीले जो किनारे हैं, यहाँ पर जो है फ्लड अक्सर आ जाया करता है। तो ठीक है, ये आप देखने के फ्लड, हाँ देखिए फ्लड की आपने तस्वीर देखी होगी, जो हैवी रेनफॉल की वजह से जिस तरह बारिश मतलब जो फ्लड इस तरीके से मतलब सबको अपनी लपेट में ले लेती है, सैलाब जिसे हम उर्दू में कहते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से शहरी जिंदगी तबाह हो जाती है, इंसान की जिंदगी पूरी तरीके से, द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू वाटर, है ना। मुंबई में भी हमने देखा है कि 2005 में बहुत ही डेंजरस फ्लड था जिस वजह से पूरा मुंबई जलथल हो गया था, पूरे मुंबई में पानी ही पानी हो गया था।
तो ये फ्लड की कुछ तस्वीर है ताकि हमें पता चले फ्लड किसे कहते हैं। तो इस तरीके से फ्लड हुआ करता है, आया करता है, ठीक है। एट टाइम्स द रिवर इवन स्वीप्स अवे सम ऑफ द सैंड बार्स, और कभी कभार एट टाइम्स कुछ वक़्त में ऐसा भी होता है द रिवर जो दरिया है इवन स्वीप्स अवे सम ऑफ द सैंड बार्स, पूरे के पूरे सैंड बार्स को उसको वो खत्म कर देता है, उससे गुजर कर उसको झाड़ देता है और उसको वहां से मतलब ऐसा कर देता है कि वहां पर उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, ठीक है। When जाधव was about 15 years old, जब जाधव की उम्र 15 साल की थी, he saw a terrible sight. देखिए terrible यहाँ पर दो मर्तबा वर्ड आया है ना, और ये वर्ड्स जो आते हैं हम लोगों को सिर्फ ये देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों से पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टोरीज जो होती हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट इसका मकसद नहीं है, इसके साथ साथ हमारे पास जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं उन वर्ड्स को हम लोग समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर भी टेरिबल है, इससे पहले भी टेरिबल गुजरा है, तो आप में से कोई बताएगा मुझे टेरिबल किसे कहते हैं? धूप, गर्मी। गर्मी के तो बेटा ये समर है, समर वर्ड है। समर से पहले मैंने क्या बात बताई थी? टेरिबल देखिए, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आई सॉ अ वेरी टेरिबल नाइट, या ये कहेंगे दिस साउंड इज वेरी टेरिबल, जब आप बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा हो जाते हैं और कोई आवाज आपको आती है तो आप कहते हैं कि दिस साउंड इज वेरी टेरिबल। बोलिए बोलिए। ठीक है, तो टेरिबल का मतलब मैंने अपने जुमले में भी कहा था, टेरिबल कहते हैं खौफनाक को, खौफ ज्यादा, खौफनाक, डरा देने वाला, है ना। तो उसने जो देखा था अ टेरिबल साइट, ऐसा मंजर जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, खौफनाक था। ऑन वन ऑफ द सैंड बार्स, सैंड बार के किसी एक किनारे पर, एक हिस्से पर थाउजेंड्स ऑफ स्नेक्स, थाउजेंड्स ऑफ स्नेक्स ले डेड, मतलब वो जो स्नेक्स थे वो क्या हो गए, मरने लग गए। दे हैड बीन वॉश्ड अशोर विद द फ्लड, और दे हैड बीन वॉश्ड, मतलब उनको साफ किया जा रहा था, धोया जा रहा था किनारे की तरफ विद द फ्लड, मतलब वो फ्लड में वो तमाम के तमाम मरते हुए मुर्दा हालत में एक किनारे पर पहुंच जाया कर रहे थे। With no trees to protect them, और उनके तहफ्फुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए there were no trees. They had all died in the scalding sun. They had all died. वो सब के सब क्या हो गए थे, मर गए थे in the scalding sun. Scalding sun. एक सूरज के रास मतलब उसको पढ़ने की वजह से, रास तौर पर जब सूरज की किरण पड़ रही थी तो उस वजह से वो मौत के आगोश में जा रहे थे। जाधव वॉज सिंपली हॉरिफाइड, अब यहाँ हॉरिफाइड आया है, अगला वर्ड हॉरिफाइड, अब बताइए हॉरिफाइड क्या है? परेशान, ठीक है। और हॉरर मूवी बोलते ना, हॉरर, दिस मूवी इज वेरी हॉरर, डरावनी, हाँ, तो हॉरर से ही बना है हॉरिफाइड, तो वो क्या हो गया, हॉरिफाइड हो गया। कौन हॉरिफाइड हुआ? जाधव हॉरिफाई हो गया, खौफ ज्यादा हो गया, डरने लग गया कि ऐसा मौका, ऐसा मरहला जिसमें जानवर और सांप बुरी तरीके से मौत का शिकार हो रहे हैं, तो इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है, इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। He sat down and wept. उसने ये सिचुएशन देखने के बाद नीचे बैठ गया एंड
wept, started weeping. Wept मतलब जब हमारा दिल दुखता है तो हम क्या करने लगते हैं, मायूस होकर बैठ जाते हैं और बैठकर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो परेशान हो जाता है तो क्या करता है वो आमतौर पर रोने लग जाता है। तो जो wept है दरअसल wept वर्ड बना है weep से, weep, weep, इसका पास्ट फॉर्म है wept। वीप का मतलब होता है रोना, तो ये बुरी तरीके से रोने लग गया। कौन रोने लग गया, जाडव, जाडव पाइन, तो रोने लग गया। there and then he found his mission, अब वहां पर उसने there and then फिर उसने तय कर लिया वहां, और फिर he found his mission। मिशन क्या होता है, मिशन मिशन जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं उसका इरादा पक्का लिया कि हम वो करेंगे तो हो जाता है हमारा मिशन। हाँ देखिए बेसिकली एक होता है एम, किसी चीज का इरादा करना, किसी चीज का अज़्म करना, लेकिन जब मिशन हो जाता है वो तो उसके अंदर पक्का या पुख्ता ऐड हो जाता है। तो मिशन का जो असल मतलब है वो है पुख्ता अज़्म, ये मतलब एकदम पक्का इरादा करते हुए एकदम बिल्कुल लग कर तन मन धन के साथ में मतलब इस काम को अंजाम देने की कोशिश जो है इसका हिस्सा होती है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर there and he found his mission to turn the sandy barren land। देखिए क्या चीज की वजह से वो परेशान हो गया था, सबसे पहले तो जानवरों की बका, मतलब एनिमल्स वेर नॉट एग्जिस्टिंग देयर, एनिमल्स वहां पर मौत मरते जा रहे थे, वेर लेइंग डेड, बुरी तरीके से मौत का शिकार हो रहे थे। तो उसने एक मिशन अपना बना लिया टू टर्न द सैंडी बैरन लैंड ग्रीन विद ट्रीज। अब सबसे पहला मिशन उसका क्या रहा, टू टर्न द सैंडी बैरन लैंड, सैंडी सैंड मतलब रेत को कहते हैं हम लोग, और बैरन लैंड, बैरन लैंड उसको कहते हैं आमतौर पर जो जमीन बंजर हो जाती है। जी हाँ देखिये बंजर जमीन दिख रही है आप लोगों को ये जमीन, हाँ सर, द लैंड विच इज ऑफ नो यूज, ऐसी जमीन जिसमें काश्त नहीं की जा सकती, जिसमें हम बीज बोने की कोशिश तो करेंगे लेकिन उसके बंजर होने की वजह से वहां से काश्त का, एग्रीकल्चर करने का वहां पर कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी वहां पर अवेलेबल नहीं होगी। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, जब पता चल जाए कि जमीन बंजर है तो जमीन को नम करके, जमीन की खुश्की को खत्म करके उसके बंजरपन को जरखैजी में बदलने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और वर्ड आया है बैरन, जिसको हम बंजर कहते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफिया वगैरह में भी पढ़ा होगा ना बैरन बच्चों, हाँ सर पढ़े है ना, तो बंजर, बंजर आप लोगों ने पढ़ा है। अब हमको एक साथ ये भी याद रखना है कि बंजर को अंग्रेजी में बैरन कहा जाता है, BARREN, बैरन। ठीक है, अब इसका जो सबसे पहला मिशन था वो मिशन उसका ये था कि टू टर्न द सैंडी बैरन लैंड ग्रीन विद ट्रीज, कि जो एरिया बंजर हो चुका है, जो रेतीला इलाका बैरन हो चुका है, उस रेतीले इलाके को अब ग्रीन करना है। अब ग्रीन करने से मुराद क्या है सर, मतलब वहां पौधे उगाकर वहां पे जगह को हरा भरा करना है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जब वहां पर पौधे लग जाएंगे, जब उसके अंदर दरख्त लग जाएंगे तो दरख्तों के पत्ते जो ग्रीन रंग रखते हैं अपने अंदर में, ये ग्रीन का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम ग्रीन के बारे में सोचते हैं ना तो हमारे जहन में पेड़ के पत्तों का ख्याल आ जाता है, दरख्तों का ख्याल आ जाता है ना, इस किस्म का लिविंग इसका हमारे जहन में ख्याल आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कुदरत की जानिब से, फ्रॉम नेचर, इट इज अ वेरी गुड थिंग That has given to all the living creature, तमाम जो जिंदा रहने वाले लोग हैं, तमाम जानदारों को अल्लाह ताला की तरफ से जो ग्रीनरी है, ये जो हरा भरा पन है, एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने अता की है, और हमें इस नेमत का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए
और इसकी हिफाजत निगहदाश्त की पूरी पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को यहाँ पर लेसन तो होगा लेकिन साथ साथ ये सीख लेनी है कि ये जो ग्रीन करना है ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर है, कि हमको भी अपने घर के अतराफ में ग्रीनरी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सो टू टर्न द सैंडी बैरन लैंड ग्रीन विद ट्रीज फॉर मोर देन 30 लॉन्ग ईयर्स, फॉर मोर देन 30 लॉन्ग ईयर्स, कमोबेश 30 साल इस अहम काम को अंजाम देते देते जादव पाएंग टॉइल्ड ऑन द ड्राई बैरन एरिया एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ फॉरेस्ट। 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद, 30 साल की कड़ी जद्दोजहद के बाद, द कंटिन्यूअस एफर्ट एंड कंटिन्यूअस स्ट्रगल ऑफ 30 इयर्स हैज मेड दिस मैन जादो पाइन टू कन्वर्ट दिस ड्राई पीस, दिस बैरन लैंड, दिस सैंडी बैरन लैंड इंटू अ ग्रीन फॉरेस्ट। ही हैज बिकम एबल टू ट्रांसफॉर्म द बैरन लैंड इंटू फॉरेस्ट। तो अब जाकर वो इस बात इस पर ये हो गया, तैयार हो गया, आमादा हो गया और उसकी मेहनत जो है अब यहाँ पर कामयाबी की तरफ आ गई के उसने जो तय किया था 30 साल की मेहनत के बाद में उसने एक दरख्त को वहां पर ये सॉरी 30 साल की मेहनत के बाद उसने फॉरेस्ट बनाने का काम उसने अपनी जिंदगी में अंजाम दिया। तो एक जंगल उसने अपने दम पर बनाने की कोशिश की। तो ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारी स्टोरी का जो एक छोटा सा हिस्सा मतलब यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसके आगे भी हम लोगों को पढ़ना है। एक पैराग्राफ हम पढ़कर इसको जो है यहाँ पर रोकेंगे, इंशाल्लाह उसकी बची हुई स्टडी हम आगे करेंगे। जादो पाएंग फैमिली एंड फ्रेंड कॉल्ड हिम मोलाई। जादो पाएंग की फैमिली और उसके जो दोस्त हुआ करते थे वो उसे मोलाई के नाम से जानते थे। एट फर्स्ट मोलाई वर्कड इन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कीम टू प्लांट ट्रीज। तो इब्तदाई हिस्से में शुरुआत में मोलाई क्या करता था, काम करता था इन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कीम। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्कीम थी जिसमें किस तरीके से प्लांट किया जाए, ट्रीज को कैसे बढ़ाया जाए, उस काम उसमें वो काम करता था। फॉर सम रीजन दैट वर्क स्टॉप्ड, किसी वजह से वो काम क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया, बंद हो गया। ऑल द अदर लेबरर्स लेफ्ट, जो दीगर मजदूर थे, लेबरर मजदूर लेफ्ट बट नॉट मोलाई, सारे के सारे मजदूर चले गए, सारे के सारे मजदूर छोड़ गए, बट मोलाई वॉज स्टिल देयर। ही डिसाइडेड टू कैरी ऑन द वर्क ऑल बाय हिमसेल्फ, उसने तय किया कि वो इस काम को करता रहेगा, खुद ही अपने ही तौर पर इस काम को वो अंजाम देता रहेगा। He went to the forest department officers and the elders in his village. तो इस अहम काम की अंजाम दही में उसने और भी लोगों की हेल्प ली। तो इस काम को करने के लिए उसने क्या किया, He went to the forest department officers. Forest department के जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनसे मुलाकात की and the elders in his village. और उसके विलेज के उसके देहात के जो बड़े लोग थे जो उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते थे उनसे उसने मुलाकात की। तो देखिए यहाँ पर एक चीज दिख रही है, आई विल गो ऑन प्लांटिंग ट्रीज टिल देयर इज लाइफ इन माय बॉडी। अब जो इंसान मिशन बनाता है किसी चीज को पक्का करने का पुख्ता अज्म बनाता है तो वो उसका अज्म जो है उसकी मौत तक के वो ये जाहिर सोचता है कि जब तक मेरी जिंदगी मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं इस काम को अंजाम देता रहूंगा, तभी जाकर जो है मिशन पूरा होता है। देखिए क्या बात कही उसने, आई विल गो ऑन प्लांटिंग, मैं दरख्तकारी का, दरख्तों को पौधों को लगाने का सिलसिला जारी रखूंगा, प्लांटिंग ट्रीज दरख्त को उगाने का काम जारी रखूंगा, टिल देयर इज लाइफ, जब तक जिंदगी है, इन माय बॉडी मेरे जिस्म में जब तक ताकत है, जब तक जान है तब तक मैं इस काम को अंजाम देता रहूंगा। तो ये बात किसने कही, मोलाई ने ये बात
सही। तो ठीक है, यहाँ पर बेटे हम लोग स्टॉप करेंगे क्योंकि हमारा वक्त भी खत्म होने में है, और उसके अलावा ये बड़ा चैप्टर है, और कैसे मतलब उसने कामों को अंजाम दिया, हाउ ही बिकेम सक्सेस इन हिज मिशन, हाउ ही कॉन्क्वर्ड सच टाइप ऑफ ड्रास्टिक चेंज, किस तरीके से मतलब उसने एक बड़ी अहम तब्दीली को लाया, इसको हम लोग आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, छोटा सा मतलब आप लोगों से पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, एक थोड़ी सी चीज, थोड़ी सी बात जानने के बाद में अब आपके क्या ख्यालात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने क्या सीखा इस स्टोरी से? इस स्टोरी में एक जाडो नाम का आदमी था, उसके घर के आसपास एक जंगल था, और उसके आगे थोड़ी जगह थी और वहां पे रेत हो गई थी, और उस रेत के आगे नदी थी, और जानवरों को पानी ना मिलने की वजह से जानवर मरने लगे थे। ये बात और सुनकर जादव को बहुत दुख हुआ, इसलिए जादव ने पक्का इरादा कर लिया कि वो उस रेतीली जमीन को हरा भरा करेगा, और फिर उसने पुख्ता इरादे को अंजाम भी दिया। शाबाश, बहुत अच्छा, और वेरी नाइस। क्या नाम है बेटे आपका? शाहीन। शाहीन, कौन से स्कूल से आप? संजय नगर म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2। अच्छा, 2 नंबर संजय नगर से, माशाल्लाह। देखो शाहीन ने बहुत प्यारा जवाब दिया, बल्कि जितना हमने पढ़ा उसकी पूरी समरी उसने हमारे सामने पेश कर दी। अब यहाँ पर हमको जो सवाल एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि आपने बता दिया जो हमने पढ़े, अब हमको सीख क्या मिल रही है, हम क्या सीख हासिल करेंगे? अब देखिए, जाधव ने कोई काम को किया, बहुत बड़े लेवल पर किया, लेकिन हम इस काम को क्या छोटे लेवल पर कर सकते हैं? Is there any chance to do such type of activity, such type of work personally at our individual level? अपनी तरफ से, अपने अकेले की तरफ से उसने ये किया कि एक फॉरेस्ट बनाया, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हम अपनी तरफ से अपने घर के आसपास भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। शाबाश, एक्सीलेंट बेटा, वेरी नाइस। अब देखिए, उसने ग्रीनरी मतलब सिस्टम को या इस माहौल के अंदर उसमें ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए उसने इतनी बड़ी कोशिश की और उसने पूरा फॉरेस्ट क्रिएट कर दिया। तो ये हम पर डिपेंड करता है, हम पर ये कि हम कम अज कम अपने घर के आसपास में, घर के अतराफ में कुछ पौधे लगाने की कोशिश करें, कुछ पौधे हम लगाए, ठीक है? एक्सीलेंट, शाबाश। चलिए आइए, थोड़ा सा कोई एक आप में से इसकी रीडिंग करें। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि हम रीडिंग करेंगे, लेकिन हमारा टाइम एक्चुअली इतना चला जाता है कि आपसे रीडिंग कराने का मौका ही नहीं मिलता है। तो शाहीन तो जवाब दे चुकी है, कोई और अगर आप में से होगा तो वो एक पैराग्राफ रीड करके बताए। चलिए जल्दी मैं रीड करूं। कीजिए, आपका नाम क्या है? साजिदा। साजिदा, कौन से स्कूल से बैठे आप? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ठीक है साजिदा, रीडिंग कीजिए आप बेटे। मोरलेस खातूनी। वन डे इन द टेरिबली समर सीजन ऑफ 1979 द लाइफ ऑफ जादेव पैग जादो पैग ही लिविड इन अ स्मॉल विलेज He lived. जब ईडी लग जाता है ना तो भी हम लोग उसको बी के साथ में, हाँ, lived. He lived. He lived. In a small village on the banks of the Brahmaputra. The Brahmaputra is a great river. Very in good. Places, it is more than 7.8 kilometers. 7 to 8, beta. 7 to 8. मतलब है 7 to 8 kilometers. It has many sandbar and elephant and island. Now, as Mazuli Island. Water of the Brahmaputra often flows gradually
ऑफन ऑफन बेटा, ये जो टी है ना इसमें टी साइलेंस है, ऑफन पढ़ेंगे उसको हम, ऑफन ऑफन फ्लू मैजुली एंड रिवर वाटर ऑफ द ब्राह्मण मैजुली एंड द संद्रबार्स एट टाइम्स At times the river even sweeps away some of the sandbars. चलो और कोई पढ़ना चाहेगा, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। अपना नाम बताइए पहले। When Jadhav was about 15 years old, he saw an terrible sight. On one of the sandbars, thousands of snakes nested. They had been washed ashore with the flood. With number flood with with no trees to protect. Them they had all in the scattering sun. Jadhav was simply horrified. He sat down and wept there and then he found his mission to turn the sandy barn land green with trees. For more than 30 long years, Jadhav toiled on the dry barren area and transformed it into a forest. Excellent, beta. Very nice. आपका नाम क्या है? साइमा, आप कौन से स्कूल से बेटे? शिवाजी नगर उर्दू स्कूल नंबर 5। अच्छा 5 नंबर से है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। मैं भी एक नंबर स्कूल में टीचर हूँ। शाबाश, एक्सीलेंट। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे आंसर्स दिए। बस एक चीज जो आप लोगों को हमें वो ये बेटा, फिर अपना हमारा टाइम भी खत्म होने में आ गया है ना। एक काम करो, थोड़ा सा पढ़ लो, ऊपर से ऊपर की एक लाइन फिर से पढ़ लो, ऊपर की 3 लाइन पढ़ लो। हाँ, अपना नाम बता दो एक बार पहले। ठीक है पढ़ो बेटा, पढ़ो जल्दी। हाँ, one day in the terrible summer season of 1979 changed the life of Jadhav Payang. He lived in a small village on the banks of the Brahmaputra. The Brahmaputra is a great river, has many Brahmaputra is a great river in place. It is more than 7-8 kilometers wide. It has many sandbars and even an island now. Island. 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 Waters of the Brahmaputra often flood Majuli and often, the sandbars at. Often. Waters of the Brahmaputra. Often. वहाँ पर टी साइलेंट है। Often flood Majuli flood. And the sandbars at times the river even Okay बेटा, very good, बहुत अच्छा है। आपने रीडिंग की, आपका नाम क्या है? बस बेटा, बस काफी है। आपका नाम बता दीजिए। हेलो सर, मैं पढ़ूं? हां बेटा, नहीं अभी हमारे पास टाइम खत्म हो गया। अभी आपका जो अगला लेसन है, हिस्ट्री का लेसन रहेगा इंशाल्लाह भी, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते या फिर जब भी उसका हमको वक्त मिलेगा, तो ये मौलाई कथोनी का जो अगला हिस्सा है, अगला पार्ट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह उस दौरान भी आपको लोगों को रीडिंग का जो है चांस मिलेगा, रीडिंग का मौका मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से इसको जानने की कोशिश की। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मतलब इतनी संजीदगी से, अच्छे से, सिंसियरली